हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम हो रहा है, जैसे कि हम कल नर्सरी से जो भी प्लांट लेके आए थे वो हम लगाने के लिए ऊपर आ गए हैं। तो दीदी भी आ गई हैं अपने प्लॉट पे से। तो दीदी दिन में प्लॉट पर चली जाती हूँ, उनका प्लॉट बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पर गमलों में से मिट्टी निकाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी नहीं है हमारे पास। तो मेरे गमलों में मिट्टी भी ज़्यादा है, क्योंकि पानी कम आता है, मिट्टी ज़्यादा होता है तो होती है। तो अब गर्मी भी आ रही है तो मिट्टी निकाल लेती हूँ, तो पानी ज़्यादा आया करेगा पेड़ों में ना, तो पेड़ों के लिए सही रहेगा। तो हमारे मिट्टी काम भी आ जाएगी दीदी के, और हमारा काम भी बन जाएगा, पानी भी अच्छे से आया करेगा गमलों में गर्मियों में। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास कांटे वाले पेड़ ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं एक दो फेंक देती हूँ, तो ये कट्टे में भर देती हूँ, रात को फिकवा दूँगी हस्बैंड से। तो यहाँ पर हम करने लगे हैं अपने प्लांट चेंज। तो जैसे कि नर्सरी से मैं एक भी प्लांट नहीं लाई थी, जो भी लाई थी दीदी लाई थी, तो मैं दीदी के प्लांट ही चेंज करवा रही हूँ। तो यहाँ पे ना जो ये नर्सरी में जो प्लांट लगे होते हैं, तो ये चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं, तो ये चिकनी मिट्टी को मैं निकाल दूँगी, क्योंकि चिकनी मिट्टी में इसलिए लगाते हैं कि ताकि नर्सरी में प्लांट्स कम बढ़ें। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स खूब बढ़ें, तो इसलिए मैं चिकनी मिट्टी निकाल दूँगी और फिर अच्छी मिट्टी में लगा दूँगी। तो ये मिट्टी है मैंने अपने गमलों में से निकाली कुछ, और कुछ दीदी लेके आ गई हैं, सामने खेत है ना, तो वहाँ से तो दीदी खाद भी लेके आ गई हैं, तो हम लगवा देते हैं फटाफट। तो ये लग गए हैं दीदी के सारे प्लांट। ये देखिए क्या हालत हो गई छत की, और यहाँ पे भी हैं कुछ प्लांट जिसमें कटिंग लगाई है गर्मियों की, और एक कनेर है बस, ये देखिए वाइट कनेर, ठीक है। और ये वाला ना दीदी लाई है, उसमें से छोटी सी कटिंग निकाल दी है मेरे लिए इसमें से, अभी कड़ी पत्ता रहता है, तो दीदी लेने गई हैं एक डब्बा। उसके बाद इन दोनों में फुलवाड़ी लगाएंगे जो ये बचे हुए। यहाँ बब्बू मिट्टी में खेल, मिट्टी में मत खेल, मारूंगी। तो यहाँ पे जो ये चटाई देख रहे हो ना आप, तार पे पड़ी हुई, तो ये मैंने चटाई वहाँ पे डाल दी है मनी प्लांट के ऊपर, ताकि धूप कम लगे। ये दीदी की चटाई है। तो हमने सारे प्लांट लगा दिए हैं और सेट कर दिए एक साइड, और अब हम इनमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे लग गए हमारे सारे दीदी के सारे प्लांट्स, ये देखिए इन छोटी छोटी में कटिंग लगा दी है, हो जाएंगी बस यहीं तक है, ये और ये, एक ये है जिसमें कटिंग लगा दी है, सो एवरीवन प्लांट तो हमने लगा दिए सारे। तो कल है हमारे यहाँ पे बासोड़ा, आप सब लोग जानते होंगे, तो कल का खाना आज ही बनेगा हमारे यहाँ पे, तो बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने तुल्ली को भी बैठा दिया है, मैंने कि कपड़ों की तू धीरे धीरे तय लगा ले, जो नहीं लगेगी वो मैं लगा लूँगी, तो उसने वो वाले निकाल दिए, बाकी यहाँ पे थोड़े से जो लगा लिए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी खीर, तो अभी तो मैंने चावल रखे हैं खाली, और यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, आप देख सकते हो आटा लग चुका है। तो पूरी पहले मैंने किचन क्लीन कर लिया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि पूजा का सामान ना क्लीन करने के बाद बनाना चाहिए। तो थोड़ा सा आटा मैंने यहाँ पर लगा लिया है, क्योंकि दोपहर का भी आटा रखा है, तो मैं दोपहर का जो आटा है वो अभी के लिए सेक दूंगी रोटियां, और जो ये आटा लगाया ये मैं कल के लिए सेक दूंगी, पराठे बना दूंगी इनके, क्योंकि ना रोटी कड़क हो जाती है ना, ठंडी रोटी खपती नहीं है, तो पराठे होंगे तो खा लेंगे बच्चे, बच्चों का ये बस उनको भूख लगेगी, अदरवाइज मैं इतना कुछ बनाती नहीं। तो वैसे तो इसमें बनते हैं गुड़ वाले चावल, तो वो मेरी सासू माँ बनाएगी, मैं नहीं बना रही, क्योंकि मम्मी को ही आते हैं, मुझे आते नहीं हैं, मैं तो सिंपल सी खीर बना लेती हूँ, थोड़ी सी बना रही हूँ बिल्कुल ही।
इत्तू से चावल डालें और ये आलू उबल जाएंगे तो मैं इनको सूखा सूखे आलू फ्राई कर लूँगी तो पराठों के साथ सही लगेंगे। तो अभी तो हस्बैंड आए नहीं है, जब तक हम कर लेते हैं धीरे धीरे। तो पता है प्लांट्स लगाए और फिर पानी वगैरह डाला तो थोड़ी सी ऐसी हो गई हालत, थकी थकी सी, तो आप इग्नोर करना उसको। तो चलिए अब हम रोटियां, अभी तो टाइम लगेगा खीर बनने में, उससे पहले मैं अपने कपड़ों की तह मार लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ सेकूँगी, उसके बाद पराँठे सेकूँगी। नहीं नहीं पहले पराँठे सेक के पैक कर दूँगी, क्योंकि फिर यहाँ गंदा हो जाएगा ना, तो साफ़ सुथरे में पहले पूजा वाले करके रख दूँगी, उसके बाद बाकी की करूँगी। तो यहाँ खीर बनती रहेगी जब तक मैं अपने कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। चलिए करते हैं धीरे धीरे। आज बिल्कुल भी सिलाई मैं कर नहीं पाई, तो मैंने क्या क्या सिलाया वो मैं आपको ना, जो भी मैंने सिला हुआ है वो मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूँगी। तो आज मैं नहीं दिखा पाई, इतना बिजी हो गया था पूरा दिन ना, तब मैं फटाफट तह लगा लेती हूँ अपने कपड़ों की, उसके बाद करते हैं हम किचन का काम। कपड़े तो हो गए फोल्ड, तो मैंने चेंज भी कर लिया क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो टाइट कपड़ों से थोड़ी सी घबराहट होती है। तो हो गया, देख सकते हो आप पूरा क्लीन, सारे कपड़े रख दिए। आलू भी बॉईल हो गए, अब मैं आलू को छील लेती हूँ और खीर में भी दूध डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं पराठे बना रही हूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ वो पराठे बन गए कल के लिए, और ये खीर बन गई, तो पास पास ले गया। तो यहाँ पे बन गई ये खीर, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस सिंपल खीर बनाई है। तो यहाँ मेरी खीर बन गई, और यहाँ पे आलू मैंने छील लिए, अब मैं इनको फ्राई कर देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ना टमाटर ना लहसुन प्याज, सिंपल छौंकूँगी जीरा आलू। तो जीरा डालने के बाद आलू डाल दिए, आलू डालने के बाद मैं इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा भून लेती हूँ, उसके बाद सारे मसाले ऐड करूँगी। मसालों में कुछ ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ वही नॉर्मली। तो यहाँ मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है, उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद मैंने डाली है यहाँ पे वो कौन सी होती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च। बस इनको मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद मैं नमक इनमें ऐड कर दूँगी। बस बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बिना कुछ डाले भी, एकदम जैसे लगता है आलू चाट बनते हैं ना वैसे ही लगते हैं। तो ये पराठे और या पूड़ी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैंने बना लिए।
तो यहाँ नमक भी ऐड कर दिया है मैंने। तो आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं और पराठा मैंने बना के पैक कर दिए हैं और खीर भी मेरी बन चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं अभी के लिए रोटी बना लेती हूँ अपने सब लोगों के लिए। सब कुछ बन गया है, ये देखिए आलू और ये रोटियाँ जो अभी के लिए बनाई है मैंने, और ये खीर है, और ये पराठे जो कि सुबह के लिए बनाए हैं पैक कर दिए मैंने अच्छे से। तो सारा हो गया, मैंने किचन भी क्लीन कर दिए, कोई बर्तन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो गाइस देखिए क्या हालत हो गई है, लगे लगे किचन में पूरा पसीना पसीना हो गया। तो सब कुछ तो हो गया है, यहाँ का भी हो गया कपड़े वपड़े, और खाना भी पूरा रेडी हो गया, बस हस्बैंड का इंतज़ार है, उसके बाद हम खाएंगे। तो हमारे लिए बैंगन की सब्ज़ी सुबह की बची हुई है, वो ले लेंगे, थोड़े से आलू ले लेंगे जो मैंने सूखे फ्राई किए। तो मैंने आलू में ना लहसुन प्याज नहीं डाली, क्योंकि पूजा की चीज़ में किसी में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती, तो मैंने ऐसे ही फ्राई किए सिर्फ थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के। तो मैं जानती हूँ कि हमारा जो ये बांसवाड़े की पूजा हो रही है वो थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि हमारे घर में बेबी गर्ल हुई थी, मैंने आपको बताया था होली पे, तो उसका हवन जब तक नहीं हो जाता जब तक पूजा का कोई काम नहीं होता। तो अब हवन हुआ है, तो अब हम बांसवाड़े की कल पूजा करेंगे। तो देखते हैं, कल जाऊँगी मैं सासू माँ के यहाँ, फ़ोन आया था तो वहीं पर सब लोग मिल के पूजा करते हैं। तो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको सबको अच्छे से दिखा दूँगी, नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो देखते हैं, तो ये छोटी सी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कल की वीडियो मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी सुबह से, और अभी मैं यहीं एंड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि गमले वगैरह भी आपने इसमें देखे हैं। तो बब्बू भी आपको बाय कर रही है, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, राधे राधे।